मसला क्या है खान बाबा? ख्वामखा आपने इस जमी जमाई दिलकश महफिल का मजा भी काट दिया। माफ कीजिएगा शहंशाह, कुछ देर के लिए आपकी इस हसीन महफिल का दीदार करने आ गया। एक मिनट, कहीं ये हमें देख ना ले। बराए मेहरबानी खान बाबा, आ जा सकते हैं यहाँ से। जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं शहंशाह, लेकिन जाने से पहले इस रक्कासा के हसीन फन के लिए इसे कुछ इनाम देना चाहते हैं। फिर निकलते हैं, आप लुत्फ उठाइए। सुनो, प्रताप आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है। जैसे ही वो यहां आए, वो खतरे का घंटा बजा देना। शहंशाह के जाम में वो अर्क मिलाने का वक्त आ गया। घबराइए मत, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। खान बाबा जी, आप जाते हैं या हम? हम जा रहे हैं शहंशाह, जा ही रहे हैं हम। आदाब आदाब। के अंदर कैसे घुसेगा प्रताप, लेकिन यह तय है कि वो आएगा जरूर। सब लोग होशियार रहो और नरगिस के खतरे के घंटे का इंतजार करो। वो असली धूप मुगल कौन है?
देखो मुगल, हम आ गए। यूं तो बहुत उतावले रहते हो ना हमसे लड़ने के लिए, इतने उतावले कि युद्ध के मैदान में भी वेश बदल कर आने से भी नहीं झिझकते। अब क्यों कायरों की भांति बैठकर अपमान कर रहे हो अपना? उठो और लड़ो हमारे साथ एक वीर शत्रु के भांति। उठो मुगल। बहुत हो गया तुम्हारा ये स्वांग। उठो उठो और लड़ो हमसे। तुम जानते हो कि हम राजपूत निहत्तों पर पार नहीं करते, और जो तुमने हमारी रानी माँ के साथ परिहास किया है, उस परिहास के लिए हम तुम्हारे ये दोनों हाथ काटेंगे। पर ऐसे नहीं लड़कर, ताकि आज के बाद कोई भी विदेशी आक्रमणकारी किसी के भी साथ ऐसा दुस्साहस करने से पहले तुम्हारे दोनों हाथ कटे देखकर सोचने पर विवश हो। उठो उठो मुगल और लड़ो हमसे। उठ उठ। जाया जी, तुरंत संदेश वाहक भेज दीजिए हंसा के पास बिजोलिया, ये बताने के लिए कि राव मामरक जी राणा जी के साथ अलवर गए हैं प्रताप को लाने। जी महारानी। महान है आप चीजा, आप जैसा कोई नहीं। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहें आपसे चीजा, शरीर में जान नहीं है, पुत्र संकट में है। आप तो ये भी नहीं जानती कि वे वापस लौटेंगे कि नहीं, और आपको अजब देव कुंवर प्रताप के संबंध की चिंता है। छोटी जीजा, बड़ी जीजा का स्वास्थ्य अभी ठीक से संभला भी नहीं है, और हमारा सुझाव कि हमें इन्हें दुख पहुंचाने की बजाय विश्राम करने देना चाहिए। पीरबाई जी, दो रानियों में चलने वाली बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अनजाने में हुई भूल के लिए हम क्षमा चाहते बड़ी जीजा। ऐसे भी कोई बात नहीं है, आप कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। आपको क्या लगता है धीर भाई जी, संसार में सभी आप जैसे अवसरवादी होते हैं? अजबदे की मां से पहले हंसा हमारी सखी है, हमारी बहन है,
इसलिए हमारे मन में उनके लिए हमेशा चिंता रहती है। इतनी भोली मत बनिए जीजा, आपको क्या लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा? राणा जी और राव ममरक जी के बीच मित्रता को देखकर आपके पुराने सपने जीवित हो चुके हैं, पर सत्य बड़ा कटु होता है जीजा। और सत्य ये है कि आपको बिजोलिया और मेवाड़ की संधि तो दिख रही है, पर हम आपको याद दिलाते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ की भी संधि हो चुकी है, और यदि आपको लगता है कि आप कुंवर प्रताप और अजबदे का संबंध जोड़ देंगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं हमारे कुंवर प्रताप और फूल कवर का विवाह करवाने के लिए, और हम जानते हैं कि आपको इस बात पर कोई संदेह नहीं है। अब जब आप इस विषय पर इतना हट पकड़ कर बैठ गई हैं, तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए अजधीर भाई जी। प्रताप और अजबदे का जोड़ा नियति ने बना दिया है, और नियति के बनाए हुए संबंधों को कोई कितना भी प्रयास कर ले नहीं तोड़ सकता। जाने देते हैं जीजा, हम भी क्या बच्चों की बात ही व्यर्थ बातों में उलझ रहे हैं। विवाह की बात तो तब करेंगे जब आपके कुंवर प्रताप अलवर से जीवित लौट आएंगे। विश्राम कर लीजिए जीजा, आपको विश्राम की अधिक आवश्यकता है। अभी तो आपको कहीं बुरे बुरे समाचार सुने। आप खैरियत तो हैं? हम ठीक हैं। चलिए। आजा आइए। कौन बताओ चलिए? आपको महल के तहखाने तरफ लेके चलते हैं। अब कहीं भी जाने से कुछ नहीं लाभ होने वाला है। हम कहीं भी चले जाए, ये लोग हमें खुश कर रहे हैं। कुंवर प्रताप वहां कोई नहीं पहुंचेगा, आप चलिए तो सही। आइए आइए पहुंचे। तहखाना? यहाँ पर तो कोई छुपने योग्य स्थान ही नहीं दिख रहा जी। कांजी एक स्तंभ तक नहीं है यहाँ। कुंवर प्रताप यहीं कहीं होना चाहिए। प्रताप मिल गया, आइए। विश्वसनीय अजी खान जी, क्या ये सुरंग हमें दुर्ग के बाहर तक ले जाएगी? नहीं गौर प्रताप, दुर्भाग्यवश इसका दूसरा छोड़ा अभी तक नहीं बना। हम इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। कोई बात नहीं, जब तक बैराम खान और उसके सिपाही हमें खोज रहे हैं, तब तक हम सब यहाँ आराम से चल सकते हैं। वे लोग यहीं आ रहे हैं, भीतर चलिए, शीघ्र भीतर चलिए। आइए शीघ्र। तुझे पक्का यकीन है प्रताप यहीं आया था? मैं बोल रहा हूँ हुजूर, वे सब इसी तहखाने में छुपे थे। हुजूर, मैं आप जिसकी कसम खाने पे मैं तैयार हूँ हुजूर। हुजूर, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था उनको इसी तहखाने में छुपते हुए। हुजूर एक बार यकीन कीजिए हुजूर। अरे सामने से चलिए हुजूर, दूसरी जगह खोजते हैं चलते। नहीं नासिर, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये बैरम खान से झूठ बोले। हुजूर आप खुद ही देख लीजिए चारों तरफ, प्रताप उसके तमाम साथियों की तो बात छोड़िए, एक चींटी तक नहीं छुप सकती यहाँ।
यह दीवार तो बिल्कुल खोखली है। इस दीवार के पीछे जरूर कुछ है। अरे हाँ हुजूर, याद आया, मैंने भी सुना था किसी से कि हाजी खान एक खुफिया सुरंग बनाने के फिराक में था जो बन नहीं पाई थी पूरी। इसका मतलब चाहे किसी भी तरह वे लोग घुस गए हों सुरंग में तो हुजूर वे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, कहीं उसी में फंसे रहेंगे। ये तो हमारे लिए खुशी की खबर है नासिर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रताप और उसके साथी इसी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम लोग इस नाजुक वक्त में सुनी सुनाई सुरंग के दाखिले की खोज में अपना इतना सारा वक्त तो जाया नहीं कर सकते हैं ना। हम इन दीवारों में छेद करेंगे और उन छेदों में मैं तेरे लुढ़े लेंगे और फिर लगता है ये लोग कोई योजना बना रहे। हम ये तो नहीं जानते कि ये लोग क्या योजना बना रहे, पर सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुंवर प्रताप, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये सुरंग बंद है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ? जी, ये लोग तो हमें जीवित जलाना चाहते हैं। सुरंग कहां जाकर समाप्त होती है हाजी खान जी? किले के उत्तर की ओर, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए इसे खोदना तो बहुत मुश्किल होगा कुंवर प्रताप। कितने अफसोस की बात है, मेवाड़ का लाल, राजपुताने की शान, प्रताप सिंह जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मारने आया था, लेकिन अब खुद मर रहा है चूहे की मौत। बस बस, कल सुबह जैसे ही शहनशाह नींद से जागेंगे, हम प्रताप की राख बतौर तोहफा पेश करेंगे। डालकर भी तो आग बुझाई जा सकती थी ना। यदि हम कपड़ा डालते तो हमारा दिया भी बुझ जाता ना, जो हमने कुंवर प्रताप की रक्षा के लिए जलाया है। अपना हाथ जलाकर कुंवर प्रताप के लिए जलाया दिया बचाना, आपकी ये भावना
तो हमारी समझ के बाहर। ये हमने कर्तव्य मान के किया है। आप इसे अपना कर्तव्य कहें या कुछ और, किंतु मन में बच्चों के संबंध कैसे बदले जाएंगे अजब थे। आपने हमें बचाने के लिए स्वयं को जला लिया, क्यों? क्योंकि अब आप वो मूर्ख चक्रपाणि नहीं रहे जिसे हम गुरुकुल से सहते आ रहे थे। अब आप एक बहुमूल्य धरोहर बन चुके हो सौभाग्यवती की। आपको बचाना व्यवस्था है हमारी। चाहे हंस के बचाए, चाहे जल के बचाना तो है। इतनी देर तक खोदने के पश्चात भी मात्र इतना ही छिद्र हो पाया, हमें लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं लाभ होगा रामा जी? यदि इस छिद्र को हम थोड़ा और खोलेंगे तो कम से कम इनमें से कुछ धुआं तो इससे बाहर निकल जाएगा। इस छेद से जितना धुआं बाहर जाएगा उससे कहीं ज्यादा आग से अंदर पैदा हो रहा है। वो कब तक बचाए अपने आप को? नहीं याजी खान जी, जब तक हमारी सांसें चल रही है हम सांस नहीं छोड़ सकते। रावत जी लाइए, हम खोलते हैं। तब तक आप इस आग पर मिट्टी डालकर आप जितना हो सके इस आग को रोकने का प्रयास कीजिए। जाइए रावत जी। देख रहे हैं मामरख जी, मुगलों ने सुरक्षा के लिए कितने सैनिक तैनात करके रखे हैं दुर्ग पर। इसका अर्थ यही हुआ कि या तो अकबर और कुंवर प्रताप का सामना हो चुका है या फिर उसी की तैयारी करके बैठे हैं ये। हाँ राणा जी, ये तो होना ही था। पता नहीं कुंवर प्रताप कितने समय से दुर्ग के भीतर है। आइए और कहीं देखते हैं। वो देखिए वो धुआं कैसा है। लगता है इनकी लंका में भी आग लग गई है, पर हमें तो अपने राम कुंवर प्रताप को ही ढूंढना है। ढूंढते उन्हें, चलिए जाओ मामला जी। लेकिन ये आग, गाजीराज, राम अमर जी। जी राणा जी, हमें ऐसा लगा जैसे कौन प्रताप ने हमें पुकारा हो। तुमको पता है कि ये ध्वनि कहां से आई? चलिए हमारे साथ। बस कुछ ही देर सांसें बचा लीजिए, उसके बाद हम सब बचा लिए जाएंगे। बस अब हमसे और इंतजार नहीं होता, तोड़ दो दीवार। तुम्हें उस तरफ प्रताप और उसके साथियों की जली हुई लाशें ही मिलेगी। तोड़ो।
लाश तो जलकर राख हो ही चुकी होगी। चलो लाश न सही, इसकी राख ही ला कर दे दो। जाओ। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, प्रताप अब चिंता मत कीजिए, हम आ गए। सैनिकों, दीवार तोड़ो। कौन प्रताप, हमें हाथ दीजिए अपना, शीघ्र कीजिए। कौन प्रताप, आप ठीक तो है ना? कौन प्रताप, ये हम ठीक है दादी राज, बस थोड़ी चोटें लगी है, किंतु दादी राज हमारे साथी अभी भी इस धुएं से भरी सुरंग के भीतर है, उन्हें निकाल लिया दादी राज। आप चिंता मत कीजिए कौन प्रताप, सैनिकों इस धुएं से भरी सुरंग से सभी घायलों को बाहर निकालो, शीघ्र जल्दी करो। क्या? हाँ हुजूर, दीवार में बड़ा सा छेद मिला है। क्या बेवकूफों से ऐसी बात कर रहे हो, ऐसे कर सकते हो भाई? दीवार में छेद नहीं, ये नामुमकिन है। श, श, श। कोई इसके मुतालिक कुछ नहीं बोलेगा, न प्रताप आया न गया। ये बात शहंशाह तक नहीं पहुंचनी चाहिए, भूल जाओ सब कुछ, समझ गए सब? जी हुजूर। जब शहंशाह उठे हैं तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे उनकी सारी रात हमारे साथ गुजरी, और अगर कोई मसला उठे तो तुम भी इसी बात की ताईद करना संभव। आप तो लगता है जान ही ले लेंगे हमारी, अब हमें भला क्या जरूरत है इन सब चोचलों की। तुमसे जितना कहा गया है उस बात को हर्फ आखिर समझकर उस पर अमल करो। औषधि पिलाइए, शीघ्र कीजिए। रामामरचि, इनके घाव पर औषधि लगवाकर इनकी जलन को कम कीजिए। जी रामजी। कौन प्रताप, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा, पहले से अच्छा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं दाजी राज, उसके कारण हमारे साथियों की हालत हुई है ना आज,
इन सब का मूल्य चुकाना पड़ेगा उसे। हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे दाचीराज। बुद्धि से काम लीजिए कुंवर प्रताप। हालत देखिए अपनी। दाचीराज, अपने साथियों की हालत देखने के बाद हम अपनी हालत देखें या फिर इनके हर घाव के उत्तरदायी उस मुगल को देखें, क्या हम उसे छोड़ दे दाचीराज? हाँ। छोड़ दीजिए उसे। जब आपको उसे खत्म करने का मौका मिला तो आपने अपने उसूलों की वजह से उसे छोड़ दिया। उठो और लड़ो हमसे। तुम जानते हो कि हम राजपूत निहत्तों पर वार नहीं करते। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका उसूल। नहीं आजी खान, हमारे उसूल ही हमारी पहचान है। अगर हमें यह पता चलता कि कुंवर प्रताप ने निहत्थे अकबर को अचेत अवस्था में मार डाला है तो एक लिंग जी की सौगंध, हम कुंवर प्रताप को जीवन भर क्षमा नहीं करते हैं। हम अभी इसी समय उस मुगल को नींद से जगाकर उसके हाथ में तलवार पकड़वा कर ही मारेंगे दाचीराज। ये लीजिए कुंवर प्रताप, पकड़िए तलवार और चलाइए हाथ पर। ये लीजिए कुंवर प्रताप, पकड़िए तलवार और चलाइए हाथ पर। उसके बाद में आपको जहां भी जाना है जाइए, जिसको मारना है मारिए, लेकिन सबसे पहले आपको हमें मारना होगा। कुंवर प्रताप, हम आपको बता चुके हैं कि हम अपनी सेना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर आप बार बार क्यों अधीरता दिखाते हैं? देखिए अपने मित्रों को, देखिए उनकी हालत और स्वयं को देखिए कितनी चोट लगी है आपको। एक बात याद रखिएगा कुंवर प्रताप, युद्ध में अगर चार पग आगे बढ़ाने के लिए दो पग पीछे खींचने पड़ते हैं तो उसे कायरता नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है रणनीति। कुंवर प्रताप, अब आपका यह जीवन आपकी निजी संपत्ति नहीं रहा, क्योंकि आपके इस जीवन से राजपुताने की लाखों माओं को, लाखों बहनों को और कई लोगों को बहुत आशाएं हैं। यदि आपने अपने इस जीवन को व्यक्तिगत शत्रुता के भाव में बहकर ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया तो 7 जन्मों तक अपनी मातृभूमि के इस ऋण से वो ऋण नहीं हो पाएंगे। कुंवर प्रताप, अपने मन में बिठा लीजिए यह बात। चोट हमारे हृदय में भी बहुत गहरी लगी है, पर हम आपको वचन देते हैं, एक बार हमारी सेना आ जाए तो हम उन पर आक्रमण अवश्य करेंगे, किंतु अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी कुंवर प्रताप, प्रतीक्षा करनी होगी। क्या बात है शहंशाह, किस सोच में डूबे? ना पूछ तो मुझसे ना मैं जवाब दूंगा। तू जानता है सवाल मेरा, मैं जानता हूं जवाब तेरा। अब कुछ समझे नहीं? खान बाबा, कितनी ही बार हमने आपसे सवाल किए मगर हर बार आपने हमें कोई ना कोई जवाब देके बहला दिया, मगर न जाने क्यों हमें इस बार इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि कल पूरी रात हम अपनी आरामगाह में थे। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है इस रात। अब
गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर इस हसीन रात में हमारे साथ बिताए गए तमाम हसीन पल को सुबह होते ही भूल कर शहंशाह आप कनीज के हुस्न की तौहीन कर रहे, जबकि रात भर आपके जलवों को उम्र भर अपने दिल में बसाने की जिद में हमारी आंखें तो बस आपका ही दीदार करती रही बिना पलक झपके। हट जाइए हमारे रास्ते से, हट जाइए। शहंशाह, शहंशाह हमारी बात सुनिए। शहंशाह देखिए, रात गई बात गई, अब एक नया सवेरा आपके सामने अपनी रोशनी फैला रहा है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक निशाने मुगलिया भी तामीर हो चुका है। अब अपने दस्ते पाक से उस पर से पर्दा हटाइए और अपने तवारीख के सफों में एक और सफा जोड़ दीजिए। चलिए। शहंशाह से झूठ बोलने की सजा सजाए मौत भी हो सकती है हुजूर, कहीं आपका हुक्म मानकर सर कलम तो नहीं हो जाएगा हमारा? हरगिज, अपनी जबान बंद रखो, कुछ नहीं होगा, समझ गए? जी हुजूर। देखिए आज आपका ख्वाब इस सुबह की पाक रोशनी में पूरा हो रहा है। राजपुताने में हमने अपनी हुकूमत का परचम फहरा दिया है। शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, इस मुबारक मौके पर राजपुताने का बच्चा बच्चा कान खोलकर हमारा ये ऐलान सुन रहे हैं। शहंशाह ये आप क्या कर रहे हैं? जिस कदर कदर हमने अजमेर और अलवर को फतेह किया, वैसे ही बहुत जल्द राजपुताने की दूसरी तमाम रियासतें हमारी गुलामी में हो, खास तौर पर रियासत मेवाड़। आज इस मुबारक मौके पर राजपुताने का बच्चा बच्चा कान खोलकर हमारा ये ऐलान सुन ले। शहंशाह ये आप क्या कर रहे हैं? जिस कदर कदर हमने अजमेर और अलवर को फतेह किया, वैसे बहुत जल्द राजपुताने की दूसरी तमाम रियासतें हमारी गुलामी में हो, खास तौर पर रियासत मेवाड़। और शहंशाह बस कीजिए, आप बस कीजिए और नीचे आइए। नहीं कुंवर प्रताप,
अब तक हमारी सेना नहीं पहुंची है। क्या बात है खान बाबा, आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको दहकते हुए अंगारों पर चलने के लिए कह दिया। क्या एक बादशाह होने की हैसियत से हम अपने जीते हुए किले पे अपनी फतेह का ऐलान भी नहीं कर सकते? क्या इसके लिए भी हमें आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी? शहंशाह, क्यों जीते जी हमें दोजख में भेज रहे हैं आप? खान बाबा, पर वजह भी तो पता चले इस कदर आपकी बेजारी की। शहंशाह, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आप तब तक अपनी फतेह को मुकम्मल नहीं मान सकते जब तक आप मेवाड़ को सर नहीं कर लेते। फिर ये खान बाबा, ये तो आप भी जानते हैं ना कि बहुत जल्द हम मेवाड़ को फतेह करने वाले हैं। शहंशाह, हम जानते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आगरा चलते हैं और प्रताप के लिए एक नई हिम्मत अमली तय करते हैं। चलिए आप। पसंद आया आपका मशवरा खान बाबा, पसंद आया। वैसे पता नहीं क्यों आप प्रताप को लेकर इस कदर फिर से संजीदा हो गए। बहरहाल हमें आपका मशवरा पसंद आया। वैसे एक बात पूछे खान बाबा, कहीं आपको ख्वाबों में तो परेशान करने नहीं आ गया है ना प्रताप? नहीं शहंशाह, हरगिज नहीं। नासिर, हमारे जासूस आसपास के इलाकों पर नजर रखे हुए हैं ना, कभी भी कोई गैर वाजिब बात हुई तो हमें फौरन इत्तला किया जाए। प्रताप और अजबदे का विवाह होकर रहेगा, देखते हैं कौन रोकता है उसे। धीर भाई जी, अब आपकी पहले वाली स्थिति रही नहीं। अब मेवाड़ के अंत है महल में हम तीनों का ही शासन चलेगा। आप चाहे जितने षड्यंत्र रच ले धीर भाई जी, अब आप हमें कभी भी किसी भी बात पर चुनौती नहीं दे पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि अब राणा जी को हम आपस में इतना व्यस्त कर लेंगे कि वो धीर भाई जी के कक्ष का रास्ता तक भूल जाए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी योजना है। और अजब दे, आप प्रताप के सर से उनकी छोटी माँ का भूत उतार देना। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा और भविष्य के राजा इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीर भाई जी की हैसियत दासी से भी कम होगी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेवाड़ नरेश सदैव हमारी मुट्ठी में रहेंगे। राणी सा, हमने अभी एक चीख सुनी, आप ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। और कुंवर जगमाल को तलवार चलाने क्यों नहीं भेजा? बाबूजी राज तो सो रहे हैं ना। कुंवर जगमाल,
उठिए, अब उठ गए, ले जाइए, चलिए। मेरे दादा जान ने जब इस किले पर कब्जा किया था उस वक्त मैं काफी छोटा था। वो अक्सर कहा करते थे कि सारी दुनिया में एक हिंदुस्तानी ऐसा मुल्क है जहां दोस्ताना रिश्ता कायम करने से गैर मुल्की लोगों को भी फराक दिली से बसने का और इस मुल्क में अपने घर जैसा महसूस करने का मौका देते हैं। वक्त की सितम शरीफी तो देखिए, अपने आवाम की तहे दिल से खिदमत करने के बाद भी हमारे महल से हमारी नजरों के सामने हमें ही बेदखल कर दिया गया, वो भी किसने, किसी हिंदुस्तानी ने नहीं बल्कि एक गैर मुल्की मुगल ने। चलो जल्दी जल्दी लादो सामान, फौरन निकलना है हमें आगरा के लिए। ए घोड़े वाले, घोड़ों को ठीक से खिला पिला देना, आगरा जाते वक्त सिर्फ एक बार रुकेंगे हम लोग रास्ते में, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो सीधे आगरा में रुकेंगे, समझ गए साहब? जी हजूर। शाबाश, चलो जल्दी जल्दी सामान चढ़ाओ गाड़ी में। इतनी भी क्या जल्दी है खान बाबा, वो रास्ते में अजमेर के बाहर जो खूबसूरत सा उनिंदा गांव है, राजपुताने से निकलने से पहले वहां रुकते हुए चलते हैं। नहीं नहीं शहंशाह, अब नहीं। इतने लंबे अरसे से जंग पे जंग करके हमारी फौज पस्त हो चुकी है, अब बेचारे अपने घरों को जाने के लिए बेकरार हैं। अब नहीं शहंशाह। और खान बाबा, अगर हम ये कहें कि हम जानबूझकर आगरा के लिए रवानगी को खरामा खरामा बना रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि जिस कदर हमने प्रताप की अम्मी के साथ मजाक किया है, उस मजाक का बदला लेने के लिए वो जरूर हमारे पीछे पीछे आएगा। लाहौल वला कुव्वत, ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा हम तो मजाक कर रहे हैं खान बाबा। अच्छा मजाक था। खान बाबा, हम खुद भी तो आगरा पहुंचकर अपनी अम्मी और बड़ी अम्मी के दीदार के लिए बेकरार हैं। चलिए। खान बाबा जी, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना खान बाबा? शहंशाह हमारी जबान खिंचवा लीजिएगा, अगर हमने बेवजह आपसे कुछ छिपाया हो तो हमारी जबान खिंचवा लीजिएगा आप। हुजूर, किले के शुमाली दीवार के पास से ये मिला है। ये क्या है? हुजूर, मेवाड़ के शाही खानदान का कीमती बाजूबंद दिखता है। इसका मतलब है कि उदय सिंह भी अपने सिपाहियों के साथ कहीं कहीं छुपा हुआ है। हमांगणियों को कहिए, भारी बरसात के कारण स्थान स्थान पर मार्ग अवरोध हो गए हैं, इसलिए सेना को यहाँ पहुंचने में थोड़ा और समय लगेगा। हुकुम, आशा करते हैं एक पहर में हमारी सेना यहाँ पहुंच जाएगी।
ठीक है। सुनो नासिर, जितना हमने सोचा था यहां के हालात तो उससे भी ज्यादा संगीन है। उदय सिंह अपने सिपाहियों के साथ प्रताप की मदद के लिए पहुंच चुका है और यहीं छुपकर वो लोग अपनी फौज का इंतजार कर रहे होंगे। हमें फौरन शहनशाह अकबर को लेकर यहां से आगरा के लिए निकलना होगा। हुजूर, फिर क्या हम इतनी बड़ी बात शहनशाह से छुपाएंगे? अच्छा, बताना चाहते हो शहनशाह को? जा बताओ। रुक, बेवकूफ कहेगा, अगर शहनशाह को ये बात पता चली तो हम सबको जान से मार देंगे, वो याद रखना। हमारी बात सुनो, शहनशाह अकबर के हाथ से निकलने की खीज में वो लोग किले पर पुरजोर हमला करेंगे और अब इस किले की हिफाजत तुम पर मुनहसर है। मैं पूरे मुस्तैदी के साथ इस किले को संभालूंगा अफसर, और पूरा यकीन है इसे बचा भी लूंगा, क्योंकि किले में हम होंगे और वो लोग हमारे सामने खुले मैदान में होंगे। आप फिक्र ना करें हुजूर। शाबाश नासिर, इस किले की और उस निशाने मुगलिया की हिफाजत हम तुम्हारे कंधों पर छोड़ कर जा रहे हैं। अब बेफिक्र रहे हैं हुजूर। खान बाबा जी, शहनशाह बस चल रहे हैं। ये तुम्हारा इनाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारी नजरों के सामने हमें यहां पे दखल कर दिया गया, वो भी किसने? किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, बल्कि गैर मुल्की मुगल। राजराज, शीघ्र बुलवाई अपनी सेना को, वो मुगल हमारी आंखों के सामने से जा रहा है। उसे मारने का हमें ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कुंवर प्रताप, सेना का यहां तुरंत आना असंभव है, ये बात आप भी जानते हैं। कुंवर प्रताप, हमें खेत है इस बात का। अश्ववाहकों द्वारा सेना को संदेश पहुंचाया जाए, वे लोग वहीं से लौट जाए। नहीं, अब खाली हाथ वापस नहीं जाएगी विमान के साथ। क्या करना चाहते हैं आप कुंवर प्रताप? हम सोच रहे हैं दाजीराज कि उस मुगल को मारने के अतिरिक्त उसे दंड देने का दूसरा कौन सा श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। उसके गर्व को, उसके अभिमान को चूर चूर करके भी तो हम अपनी रानी मां के अपमान का बदला ले सकते हैं। तो ठीक है कुंवर प्रताप, हम उस तुर्क पर आक्रमण करेंगे। उस अकबर को भी तो पता चले कि अगर किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने राजपूताने की एक सूत धरती पर भी कदम रखा तो मेवाड़ चुप नहीं बैठेगा, इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अगर आज हमने अलवर पर मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया तो उस पर तो ऐसा लगेगा कि वो अपराजेय हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि अकबर के आगरा पहुंचने से पहले ही उस तक ये समाचार पहुंच जाए कि जिस अलवर और अजमेर पर उसने कब्जा किया था अब वो उसके कब्जे में नहीं रहा।
उसे पता चल जाना चाहिए कि अपराजय मुगल नहीं, अपराजय राजपूताना है। हाजी खान, हम आपको वचन देते हैं कि आपका घर आपको अवश्य वापस दिलवाएंगे। सेनापति प्रताप, क्या आप तैयार हैं? हुक्म। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। किले के हर दरवाजे पे फौरन हिफाजत और हमले के जबरदस्त इंतजाम किए जाए। किले के बाहर जितने भी जाल बिछाए जा सकते हैं बिछा दो। अगर हमने प्रताप को मार के इस किले को बचा लिया तो शहंशाह हम सबको सोने के अशर्फियों से लाद देंगे। आज सांस तक उस किले पर हमारा अधिकार होना चाहिए। कोई व्यर्थ का रखवाल नहीं करे, किंतु हाँ हाँ, यदि कोई आपके विजय मार्ग में बाधा बने, तो उनसे डरकर हमें आगे बढ़ना। याद रखिए कि आप पात्र भूमि के खोए गौरव के लिए लड़ रहे हैं। आप उनके लिए लड़ रहे हैं जो राजपुताने का हिस्सा है। आप राजपुताने की धरती से उन मुगलों को खदेड़ने के लिए लड़ रहे हैं। सत्य आपके साथ के साथ, धर्म आपके साथ के साथ, एक लिंग जी का आशीर्वाद आपके साथ। जय एक लिंग जी, जय एक लिंग जी, जय मेवाड़, जय मेवाड़, बाजीराज प्रताप की जय, बाजीराज प्रताप की जय, बाजीराज प्रताप की जय, राणा उदय सिंह की जय। तोप तैयार है? तोप तैयार है हुकुम, आदेश हो तो छोड़े तोप। नहीं, तोप हम स्वयं छोड़े।